उसे समय एग्जॉस्ट लगा हुआ है। दिस इज ओरिजिनल एससी सीआरडी कैन, डीएसटी की टेल है, ब्राइट एलईडीज हैं। देखो ये बहुत अमेजिंग मोबाइल होल्डर है, काम से सिंगल हैंडेडली प्लग एंड प्ले कर सकते हो उसके। तो काम राजू भाई के यहाँ हुआ है। बूम को लेकर पहली बार हमारे पास ये आई है और यहाँ पर आई है तो कुछ ना कुछ हम इसमें करने वाले हैं, तभी आई है। मुझे लगा कहने लगे कुछ ना कुछ मीठा हो जाए, पहली बार इसने यहाँ पे दर्शन दिए हैं। डेफिनेटली कुछ ना कुछ अलग हो जाए। बिल्कुल कुछ ना कुछ छाप छोड़ दी जाए। मतलब बिल्कुल बिल्कुल ऐसी चीज जो देखते ही कोई बोले कि ये तो काम राजू भाई के यहाँ हुआ है, भाई ऐसा और कुछ हो जाए। लेकिन आज हमारे साथ आज हमारे करोलबाग एक मिस अपनी हो चुकी है कि यहाँ पर लाइट नहीं है, बिकॉज आग लग गई है इस कारण से। लेकिन हम तो कर रहे थे पाजी का वेट, इसीलिए हम बैठे, वरना आधे से मार्केट जा चुकी है। हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे यहाँ पर डिनर शिनर करके आराम से। मैंने भी यही बोला अपने ब्लॉग में, मैंने कहा यार इतनी खाने पीने की रेडियां लग रही है, ऐश हो रही है, तो देख के भूख लग रही है, तो क्यों ना राजू भाई के वहाँ रुके, काम भी हो जाएगा और कुछ खा भी लेंगे बढ़िया। बिल्कुल तो दोनों की होगी यहाँ पर मैचिंग। उन्होंने भी अपने ब्लॉग में अच्छा सही बोल दिया, इधर मैंने भी वही सही बोल दिया। अब इतना रुके हैं तो भाई पेट पूजा करके जाएंगे। देखो फिलहाल ये हमें ना विंडशील्ड इसमें थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही इस कलर की, तो हम करेंगे इसके साथ कुछ चेंजेस। क्या करेंगे वो पाजी के ब्लॉग में देखने को पहले मिलेगा, क्योंकि मेरा ब्लॉग थोड़ा सा लेट आता है। देख लिया आपने जो फोटो भेजी थी ना, वो मतलब मजा आ गया उस चीज देख के यार, वो इस पर लग गई ना तो अच्छी तो लगनी है, बट सिग्नेचर बन जाएगा। बिल्कुल तो करते हैं इसको स्टार्ट। और स्टार्ट मतलब गाड़ी स्टार्ट नहीं कर रहे हम करेंगे काम स्टार्ट। क्यों जी वीर जी? बिल्कुल जी बिल्कुल 100% काम स्टार्ट करके फिर आपको दिखाते हैं पूरा कि कैसे क्या क्या हो रहा है इसके अंदर। चलो जी करते हैं फिर स्टार्ट। तो फाइनली गाइस पाजी की 10R तो आ चुकी है हमारे पास। पाजी के जो काम किया पाजी की बाइक में वो पाजी खुद बताएंगे, और सबसे पहले ना इसके अंदर क्या क्या कर रखा है वो भी पाजी बताएंगे अपनी जुबानी। इनके चैनल पर आपने देख रखी सारी मॉडिफिकेशन, अब थोड़ी सी हमारे चैनल पे मिल जाएगी आपको, तो बताइए। देखो राजू भाई, पहले तो अगेन लाइक सबसे इम्पोर्टेंटली जो यहाँ काम हुआ इसी से शुरुआत करेंगे। पहले मैंने विंडस्क्रीन लगाया हुआ था आफ्टर मार्केट, बट अभी भी चेंज किया है, इसको हमने ग्रीन में डाल दिया, तो इससे थोड़ा एक ना यूनिकनेस आ रही है, क्योंकि बाइक का कलर भी ग्रीन है। दिस इज नाउ मोर ग्रीनर, ब्यूटीफुल लग रही है। और उसके बाद काफी लोडिंग्स मैं कर चुका हूँ, जैसे इसमें एक फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है। वैसे हेडर आपको पता है 10R में चेंज कराने की जरूरत नहीं पड़ती, मिड पाइप और एंड कैन, और ये काफी लाउड है। दिस इज ओरिजिनल एससी सीआरटी कैन, और पीछे अगर आप टेल देखोगे काफी इम्प्रूवमेंट है, टीएसटी की टेल है। इसकी खासियत क्या है, एक तो बहुत ब्राइट एलईडीज हैं, ऊपर से जब मैं ब्रेक लेता हूँ तो ये फ्लिक करती हैं, पैनिक ब्रेकिंग है, इसी के अंदर में इंडिकेटर है, तो इससे क्या अगर ये लगा दिया मैंने तो मुझे पीछे के इंडिकेटर एलिमिनेट करने में कोई इशू नहीं है, परेशानी नहीं है। और साथ में पता क्या है कि इसमें अलग अलग मोड्स हैं, आप सीट खोल के इसकी जो फ्लिकरिंग है उसके अलग अलग मोड्स सेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। काफी ब्राइट है। टेल सेक्शन मैंने क्लीन कर दिया, जो टेल टाइडी लगा दिया नीचे वाला, जिससे क्या है ना थोड़ा नंबर प्लेट दूर हो गया, बट पीछे वाले को दिखता है, ऐसा इशू नहीं है। ब्यूटिफिकेशन हो चुकी है। इसका ब्रांड बताएंगे कि किस ब्रांड के? टीएसटी, दिस इज टीएसटी इंडस्ट्रीज। उसके बाद में यहाँ पे अगेन ये जो है एमके रेसिंग के हैं, ये एमके रेसिंग के हैं, ये जो है ये भी टीएसटी के हैं, वोमेटेक के आते हैं। इसका फायदा क्या, आप देखोगे तो हाफ इंजन गार्ड्स हैं। अभी क्या आपको यहाँ प्यूक के मिलते हैं, जीबी रेसिंग के मिलते हैं, पूरे होते हैं। इंडियन वेदर के हिसाब से ना देखो क्या हीट अंदर ना ट्रैप होती है। अब यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, अगर आप फुल कवर लगा रहे हो इंजन के ऊपर में तो समवट हीट ना एलिमिनेट नहीं होती है, तो ये हाफ लगाने से क्या प्रोटेक्शन भी मिल रही है, स्टाइल भी है, और ऊपर से जो गर्मी है ना इंजन की वो भी बाहर निकलती है, तो बाइक जल्दी ठंडी होती है। एंड मोबाइल होल्डर लगा हुआ है। एक चीज मेरे को नई दिख रही है इसके अंदर जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है, जो आपने लगवा रखी पहले से, आप इसके बारे में कुछ बताएंगे हमारे व्यूअर्स को? देखो ये बहुत अमेजिंग मोबाइल होल्डर है, ठीक है। इसका मोबाइल के पीछे में ना एक 3M के साथ में यूनिट आता है, आप चिपका सकते हो, कैसा भी मोबाइल हो, कोई भी मोबाइल हो, दो हो तो दो आते हैं बॉक्स के अंदर में, और आप इसको आराम से सिंगल हैंडेडली प्लग एंड प्ले कर सकते हो, उसके बाद ऐसे भी घुमा सकते हो, ऐसे भी घुमा सकते हो, और यहाँ से ये रिलीज भी हो जाता है। तो मैंने क्या किया ना, ये सेम चीज़ अपनी सारी बाइकों में लगा दी, क्योंकि किसी भी दिन कोई भी बाइक चलाने का मन हो, फोन तो आपको चाहिए नेविगेट करने के लिए, है ना। वाह, बात करते करते यहाँ लाइट भी आ गई, हमारा मतलब चैनल रोशन हो चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ पे अच्छा सा एक मोबाइल होल्डर लगा हुआ है, स्लाइडर्स लगे हुए हैं, एंड कुछ 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 सामान और लगा, रेडिएटर गार्ड भी लगी हुई है इसके अंदर आरएनजी की। हाँ आरएनजी का लगा हुआ, ओरिजिनल लगा हुआ है, ये पक्की बात है। चलो जो बाकी ऐसा कोई भी सामान अगर आपको चाहिए ना, कोई सा भी सामान आपको चाहिए तो हमारे पास भी आपको मिल जाएगा, हो जाएगा। 90% आइटम अवेलेबल है, बट कुछ आइटम होते जो नहीं होते हैं वो अवेलेबल करा दी जाएंगी। यहाँ तक आपने सब कुछ देख लिया, जो हमारा मेन काम था वो हमने ये किया, और पर्सनली बताऊँ तो बहुत अच्छी लग रही है मुझे भी, जैसे कि बताया भैया ने
कैसे बाकी बहुत सारी मॉडिफिकेशन हो रखी है इसके अंदर। एक बार एग्जॉस्ट की साउंड सुनाया था, ये जरूर है, टेन आ रहा है, सुनना पड़ता है, और उसके अगर साउंड ना सुने तो बेकार है। सही बात है। और ये देखो हमने फोन ऐसे लगाया तो टक करके यहाँ पे फोन भी लग चुका है। ये पाजी ने स्टार्ट कर दिया इसको, साउंड सुन लो आइडल पर, इसे कहते हैं द रियल बूम बूम। ये थाईलैंड वालों ने तो ऐसे ही नाम रखा हुआ बूम बूम, असली बूम तो यही था। बिल्कुल बिल्कुल। और जल्दी ना आपको एक और बूम बूम मिलने वाली है आपके अपने राजू भाई की, थोड़ा सरप्राइज है। खुश यारे, रुक जाओ जरा, देने उसका भी जो माँ बाप है ना उनका जो फैमिली सरनेम है वो कैसे शुरू होता है। तो वो भी जल्दी मिलेगी, हो सकता है पहले ये ब्लॉग तो पहले डलेगा 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 और वो ब्लॉग आएगा बाद में, हो सकता है इसी महीने आ जाए या फिर अगले महीने आ जाए, उसका मैं कह नहीं सकता, आएगा जरूर, लेकिन आएगा जरूर। चलो जैसे घर आएंगे आएंगे, बिल्कुल। तो इसी के साथ एंड भी करते हैं पाजी के स्टाइल, जैसे आपको पता मेरे ब्लॉग जितने भी होते हैं वो शुरुआत भी पाजी से होते हैं और एंड भी पाजी करते हैं। सही गाइस, पाजी करिए, कीप लविंग लवली पीपल, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग राजू भाई एंड जेस फिल्म्स, रहमत मेहनत प्यार, अच्छे लगे हमारे विचार तो लाइक करके जाना ऐसे मत जाना। जल्दी मिलते हैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, साइनिंग ऑफ जेसन विद राजू भाई, बाय बाय।